हेलो फ्रेंड्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल जीवन ब्यूटी टिप्स में। मैं हूँ जीवन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करने के बाद आप अपने फेस को बहुत ही ज़्यादा शार्प एंड जो आपकी जो लाइन है उसे बिल्कुल डिफाइन दिखा सकते हो बिना मेकअप के। अगर आप मेकअप करते हो तो आपका फेस तो शार्प दिखाई देगा ही, बिना मेकअप के कैसे आपको अपने फेस को शार्प एंड ब्यूटीफुल दिखाना है वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर प्रेस कर दें और इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको पूरी समझ नहीं आएगी। तो आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला स्टेप है जो एक्सरसाइज करनी है, उसको करने के लिए आपको इस तरह से लिप्स को अंदर की तरफ लेकर मुंह में हवा भरनी है। हवा को निकालना कैसे है वो देख लीजिए। एकदम से आपको हवा को निकालना है, बिल्कुल धीरे धीरे करके नहीं निकालना। मैं दोबारा दिखा रही हूँ। इस तरह से मुंह बनाकर थोड़ी थोड़ी हवा अंदर की तरफ ले जाएं और उसे एकदम से छोड़ दें। इस तरह करने से आपके फेस के मसल्स एकदम स्ट्रोंग होंगे, आपके फेस पर जितनी भी फैटनेस है वो सारी रिमूव होगी। इस तरह हवा को लेके जाना है अंदर और एकदम से छोड़ देना है। दोबारा से इस तरह और एकदम से हवा को ऐसे निकाल दें। आपको धीरे धीरे करके हवा को नहीं निकालना है, जस्ट धीरे धीरे करके आप हवा को इस तरह से लिप्स को करके अंदर की तरफ लेके जाएं और एकदम से छोड़ दें। फ्रेंड्स, आपको ये एक्सरसाइज दिन में 7 से 8 बार करनी है। इसको करने से ही आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिला है। आपको फिर से इस तरह करनी है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने के साथ साथ आपको अपनी डाइट पर भी ध्यान देना होगा। तो अब बात कर लेते हैं कि फेशियल फैट होती क्यों है, यानी कि हमारा फेस हैवी क्यों होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी डाइट में हैवी कैलोरी के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह सब ले रहे हो जो कि आपकी बॉडी के साथ साथ आपके फेस को भी मोटा कर रही है, यानी कि आपके फेस को फ्लफी बना रही है, आपका फेस एकदम से फूला फूला होता जा रहा है, तो आप अपनी डाइट में कैलोरी और प्रोटीन्स कम कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि खाना खाना छोड़ दें, बट डाइट में उतनी प्रोटीन कैलोरी कार्बोहाइड्रेट लें जितनी कि आपको ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन कैलोरीज मत लें। मैं ना ही आपको नॉनवेज खाने की सलाह दूंगी और ना ही मैं खाती हूँ, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। तो आप हमेशा फलदार सब्जियां ही खाएं, इससे ही आपका वज़न कम रहेगा। अगर आप मीट मच्छी वगैरह खाते हो तो इससे आपका वेट भी बढ़ेगा और साथ ही साथ आपका फेस भी मोटा होगा। तो अब बात कर लेते हैं सेकंड एक्सरसाइज की, स्टेप 2 में आपको कैसे करना है, ये भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इसको आपको इस तरह से साइड पर करके आपको नीचे वाले जो आपके टीथ हैं इसको आपको ऊपर की तरफ लेकर आना है, ऊपर वाले टीथ से भी ऊपर। इस तरह करने से आपकी चीक्स अपलिफ्ट होंगे, ये आपके फेस को चिल्ड अप बनाएगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि नीचे वाले जो टीथ हैं आपको इस तरह से इसको ऊपर की तरफ लेके आना है, यानी कि ऊपर वाले टीथ से भी ऊपर। इस तरह करने से आपके इस तरह साइडों पर बहुत ही प्रेशर बनेगा जिससे कि आपकी फैटनेस कम होगी फेस की। मैं आपको दोबारा से करके दिखा रही हूँ, ध्यान से देख लीजिए। इस तरह नीचे वाले टीथ को अपर वाले टीथ से भी ऊपर ऐसे लिप्स को लेके जाना है आपको। तो ये थी हमारी सेकंड एक्सरसाइज। स्टेप 3 बताने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी अच्छी अच्छी और यूज़फुल वीडियो देखने के लिए। आप जी एक बार चेक कर लें क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। आपके सब्सक्राइब का बटन रेड है या फिर ग्रे, अगर रेड है तो उसे क्लिक करके ग्रे में कन्वर्ट कर दीजिए
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो अब बात कर लेते हैं कि हमें थर्ड स्टेप में कौन सी एक्सरसाइज करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, नीचे लाइक का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दें और मेरी इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर 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 शेयर भी करना। तो फ्रेंड्स अब आप थर्ड एक्सरसाइज देख लीजिए, थर्ड स्टेप में भी उसको आपको कैसे करना है। इसको आपको फिश बनानी है फेस की, जैसे कि फिश होती है उस शेप में लेके आना है, ऐसे चीक्स को अंदर की तरफ लेके जाना है और लिप्स को ऐसे बाहर रखना है, जैसे कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं। इस तरह एक एक सेकंड के लिए आपको इस तरह 6 से 7 बार करना है, जैसे मैं प्रेस करके छोड़ रही हूँ लिप्स को, ऐसे प्रेस करना है, छोड़ देना है, फिर से प्रेस करना है और फिर से 1 सेकंड बाद ऐसे छोड़ देना है। फ्रेंड्स इस तरह करने से आपकी जो लाइन है वो इतनी शार्प हो जाएगी कि आपको बिना मेकअप के आपको एकदम से आपका फेस डिफाइन हो जाएगा। इस तरह करने से आपके फेस पर जितनी भी फैटनेस है, आपकी अगर गालें फूली फूली हैं तो वो भी एकदम से स्लिम हो जाएंगी, आपकी चिक्स अंदर की तरफ चले जाएंगी, जो कि देखने में फेस बहुत ही अच्छा लगता है। आपका फेस ये एक्सरसाइज करने से एकदम शेप में आ जाएगा। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, ना ही आपको इसके लिए कुछ खरीदना पड़ेगा और ना ही फेस पर कुछ लगाना है। जस्ट आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा, आपको इसे दिन में 2 बार करना है इन एक्सरसाइज को, और आप इन्हें 5-5 के सेट में कीजिए दिन में 2 बार। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका फेस कितना स्लिम और शार्प हो गया है। फ्रेंड्स कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग तो एकदम बॉडी से स्लिम होते हैं बट उनका फेस एकदम से फ्लफी फ्लफी होता है, गालें एकदम फूली होती हैं, उनके लिए ये एक्सरसाइज अमृत के समान है, उनके लिए ये एक्सरसाइज ब्लेसिंग है। जो भी अपने फेस को स्लिम और ड्रिम दिखाना चाहता है वो इन एक्सरसाइज को दिन में 2 बार ज़रूर करें 5-5 के सेट में, आपको बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आपका कोई कमेंट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो अब बात कर लेते हैं हमारे स्टेप नंबर 4th की, और ये हमारा लास्ट स्टेप है कि इसको आपको कैसे करना है। आपको इस स्टेप को ऐसे करना है जैसे कि आप खाना खाते हैं, जैसे कि आप खाना चबा रहे हों, आपको इसे भी दिन में 2 बार 5-5 के सेट में करना है, आपको इसका भी औसम रिजल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो, अगर पसंद आई हो तो नीचे लाइक का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और भी यूज़फुल वीडियो देखने के लिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं मेरी नेक्स्ट और इफ़ेक्टिव वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।